बूका की तबाही देखकर गुस्से में है नेटो देश। रूसी सेना को सबक सिखाने की तैयारी है। यूक्रेन के लिए पोलैंड ने मांगे हैं घातक हथियार। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेजा डूडा का बयान, यूक्रेन को और हथियार पहुंचाएं वेस्टर्न कंट्रीज। अब युद्ध के 40 दिन हो गए, हमने आपको बताया रूस कहां खड़ा हुआ है, लेकिन यूक्रेन के लिए क्या चैलेंजेस बरकरार हैं, अब जरा उस तरफ आपको लिए चलते हैं। यूक्रेन के लिए 40 दिन गुजर जाने के बाद स्थितियां कैसी हैं? नेटो के देश ऑलमोस्ट साइलेंट हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन वो बयानबाजियां महज बयान हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। महज जैसे मसलन अमेरिका ने यह कहा कि अब कुछ सख्त करने का वक्त आ गया है। ये पूरा ग्राफिक्स मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन तब तक एक अहम खबर और देखिए। अमेरिका पर दुनिया को हैरान करने वाली एक खबर आई, प्रतिबंधों के बाद अमेरिका में रूसी तेल का आयात बढ़ गया है। जब से सैंक्शंस लगे हैं तब से यहां पर अमेरिका में रूसी तेल का आयात बढ़ गया। अब ये कैसे हुआ? सैंक्शंस अगर हो गए हैं तो फिर कैसे? अमेरिका ने रूस से 43% ज्यादा तेल खरीदा है सैंक्शंस के बाद। बीते हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स ने रूस से हर दिन 1,00,000 बैरल तेल का आयात किया है। अब आप देख लीजिए, यूक्रेन पिस गया और यहां पर पहले के मुकाबले धंधा और बढ़ गया। रूस यूक्रेन को लेकर पूरी दुनिया में टेंशन है, लेकिन अमेरिका का क्या मिशन है ये हर कोई जानना चाहता है। शुरू से ही यूरोपीय देशों पर प्रतिबंध लगाने का दबाव अमेरिका ने बढ़ाया। बीते सप्ताह अमेरिका ने 43% ज्यादा रूसी तेल का आयात किया है। रूस की सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी सेक्रेटरी मिखाइल पोपोव का दावा है ये, अमेरिका को रूस से हर दिन 1,00,000 बैरल तेल का निर्यात किया गया है। और अगर ऐसा हुआ है तो यह दुनिया के लिए एक आई ओपनर है। अमेरिकी कंपनियों को मिनरल फर्टिलाइजर खरीदने की भी इजाजत है। कुछ सामानों को जरूरी सेवाओं की लिस्ट में डाल दिया गया है और उनका बिजनेस बाकायदे फल फूल रहा है, पहले से ज्यादा बढ़ गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।